14 नवंबर 1962 को गठित की गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आज चीन के साथ मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी है और हाल ही में SFF के जवान नाइमा तेंजिन के मौत के बाद इस फोर्स को तिब्बत के लोगों का भरपूर समर्थन मिलने के कारण चीन इस कदर बौखला गया है कि चीन अब किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो गया है। चीन ने तिब्बतियों का ध्यान भटकाने के लिए अब एक और नई चाल चल दी है। चीन ने अपने सरकारी टीवी चैनल CGTN के प्रोड्यूसर के जरिए पंचेन लामा की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए दावा किया गया है कि ये तस्वीर साल 2019 की है, जब पंचेन लामा पेंगोंग झील को देखने गए थे। दरअसल चीन जानता है कि असली पंचेन लामा कौन है और तिब्बतियों के लिए पंचेन लामा कितनी महत्वपूर्ण शख्सियत है। चीन की इस ओछी हरकत के बाद उत्तरी भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों के संसद काशंग में मामले की खूब आलोचना हो रही है। सांसदों की ओर से बकायदा इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चीन को ऐसी ओछी हरकतें करने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके महान रिपोनछे पंचेन लामा की असली हकीकत का दुरुपयोग करने से बचने की नसीहत भी दी है। निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर येशी फुनचुक ने कहा कि चीन 11वें पंचेन लामा की असली हकीकत दुनिया के सामने जल्द से जल्द सार्वजनिक करे, अन्यथा चीन को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि साल 1995 में जब पंचेन लामा 6 साल के थे, तभी से अपने परिवार सहित लापता चल रहे हैं और चीन ने दावा किया था कि पंचेन लामा उनके पास हैं और सही सलामत हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि पंचेन लामा अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं और वो एक साधारण से शख्स हैं, वो कोई धर्मगुरु नहीं है। जबकि चीन ने तिब्बत के ही एक अन्य युवा ग्याल सेन नोरबो को इस पद पर नामित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह चीन के मुख्य भूभाग में चीनी सरकार की कड़ी निगरानी में रहता है और बिरले ही सार्वजनिक रूप से देखा जाता है। काशंग ने जारी बयान में कहा कि पंचेन लामा का अपहरण जबरन उनकी धार्मिक पहचान से इनकार करना और मठ में सेवा देने के उनके अधिकार को रोकने न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का बल्कि मानवाधिकार का भी व्यापक स्तर पर उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि तिब्बत में तिब्बतियों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता का चीन का दावा अगर सही माना जाए तो चीन को अन्य लोगों के साथ ही 11वें पंचेन लामा के पते और उनके सलामती की पुख्ता जानकारी मुहैया करानी होगी। काबिले गौर है कि हाल ही में चीन ने 11वें पंचेन लामा की एक फोटो ट्वीट की है जो कि पंग काबिले गौर है कि हाल ही में चीन ने 11वें पंचेन लामा की एक फोटो ट्वीट की है जो कि पेंगोंग झील की बताई जा रही है, जहां झील के किनारे पंचेन लामा पक्षियों को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर निर्वासित तिब्बतियों में हड़कंप मचा हुआ है। निर्वासित तिब्बती इसे चीन का षड्यंत्र करार दे रहे हैं। वो उन्होंने जो अपनी राजनीतिक और दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने अपना जो घोषणा किया हुआ पेंचन लामा है, वास्तव में जो परमपुज दलाई लामा जी ने अपनी परंपरा के अनुसार जो पेंचन गिनजिनशु की नीमा 1995 के मई के 15 तारीख को घोषणा किया है विश्वभर के लिए, वो आज लुप्त है। उनका कोई परिस्थिति अता पता किसी को पता नहीं है, केवल चीन शासकों के कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसलिए ये गुमराह करने के लिए है, ये लोगों की ध्यान खींचने के लिए है, और इसका कोई कोई प्रयोग अच्छा हो नहीं सकता है। तो वही हमने अभी आपसे कहा कि अपने आप में बौद्ध धर्म को एक तरफ से संरक्षण कर रहा है, हम अपने जो लोगों को इस तरह की प्रभाव दे रहा है वो दिखाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता जो तो है नहीं। वो तो जब वास्तविकता नहीं है तो उसको दिखा के क्या फ़ायदा है? लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे, और वो कहाँ लोगों को आप विश्वास करेंगे? जब आप अपने आप में एक विश्वासघात है तो विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे